नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस, मैं हूं स्वाति रान। अभी तक की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में न्यूज टॉप 20 में देखते हैं। जीएसटी बिल का पास होना करीब तय हो गया है। जीएसटी बिल कल राज्यसभा में पेश होगा। कांग्रेस के बाद अब बाकी पार्टियों ने भी जीएसटी बिल का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। बीएसपी प्रमुख मायावती और समाजवादी पार्टी ने जीएसटी बिल का समर्थन करने का ऐलान किया है। दोनों पार्टियों का कहना है कि जीएसटी का समर्थन देश हित में करेंगे। जेडीयू ने भी जीएसटी बिल का समर्थन करने का फैसला किया है। संविधान संशोधन बिल होने की वजह से दो तिहाई बहुमत जरूरी है। अगर ये सभी पार्टियां सहयोग करती हैं तो जीएसटी बिल का पास होना तय है। इसके पहले सरकार भी बिल में 4 से 5 संशोधन करने को राजी हो गई है। हमारी पार्टी भी और बिहार की सरकार भी जीएसटी के पक्ष में है। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि इस बिल को जल्दी से जल्दी पास कराया जाए। ये कंज्यूमर स्टेट के हक में है, इसमें बिहार भी शामिल है। आज के कारोबार में बाजार में उठापटक देखने को मिली। भारतीय बाजारों की अच्छी शुरुआत हुई थी, लेकिन यूरोपीय बाजारों में आई बिकवाली के चलते बाजार पर दबाव देखने को मिला और बाजार दिन के निचले स्तर के करीब बंद हुए। सेंसेक्स 21 अंक, निफ्टी 13 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। रियल्टी, मेटल, टेलीकॉम, माइक्रो फाइनेंस और एविएशन शेयरों में गिरावट देखने को मिली। वहीं जीएसटी के पास होने की उम्मीद के चलते एफएमसीजी शेयरों में आज सबसे ज्यादा खरीदारी रही। क्रूड में गिरावट जारी है। बीते सत्र में ब्रेंट क्रूड का भाव अप्रैल के निचले स्तर तक लुढ़क गया। फिलहाल ब्रेंट क्रूड का भाव $43 प्रति बैरल के नीचे है। बीते सत्र में WTI क्रूड का भाव $41 प्रति बैरल के नीचे लुढ़का है। फिलहाल WTI और ब्रेंट में लाल निशान में कारोबार हो रहा है। जून के ऊपरी स्तर से क्रूड में 20% की गिरावट दर्ज की गई है। ओवर सप्लाई से क्रूड में दबाव जारी है। ग्लोबल इकोनॉमी की सुस्त रफ्तार से मांग कम है। सोने चांदी में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। विदेशी बाजार में सोने का भाव $1,331 प्रति आउंस के करीब पहुंच गया है। विदेशी बाजार में चांदी का भाव $20.10 प्रति आउंस के करीब पहुंच गया है। फिलहाल सोने चांदी में करीब 0.5% की गिरावट दर्ज की गई है। MCX पर सोना दायरे में है, लेकिन चांदी में गिरावट जारी है। जुलाई में सोने का भाव 1.2% चढ़ा है। सोने का भाव इस साल करीब 26% बढ़ा है। जुलाई महीने में बजाज ऑटो की कुल बिक्री मामूली घटी है। साल दर साल आधार पर जुलाई में बजाज ऑटो की बिक्री 0.1% घट गई है। इस साल जुलाई में बजाज ऑटो ने कुल 3.29 लाख गाड़ियां बेची, जबकि पिछले साल जुलाई में कंपनी ने 3.30 लाख गाड़ियां बेची थी। बजाज ऑटो के एक्सपोर्ट में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। सालाना आधार पर जुलाई में बजाज ऑटो का एक्सपोर्ट 1.65 लाख यूनिट से 20% घटकर 1.31 लाख यूनिट रहा है। हालांकि सालाना आधार पर जुलाई में बजाज ऑटो की घरेलू बाजार में बिक्री 1.65 लाख यूनिट से 20% बढ़कर 1.98 लाख यूनिट रही है। वित्त वर्ष 2017 की पहली तिमाही में इंडियन बैंक का मुनाफा 42.8% बढ़कर 307 करोड़ रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 2016 की पहली तिमाही में इंडियन बैंक का मुनाफा 215 करोड़ रुपए रहा था। वित्त वर्ष 2017 की पहली तिमाही में इंडियन बैंक की ब्याज आय 10.4% बढ़कर 1,236 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2016 की पहली तिमाही में इंडियन बैंक की ब्याज आय 1,120 करोड़ रुपए रही थी। तिमाही दर तिमाही आधार पर अप्रैल जून तिमाही में इंडियन बैंक का ग्रॉस एनपीए 6.66% से बढ़कर 6.97% रहा है। दिग्गज रेटिंग एजेंसी S&P ने कहा है कि खराब इंफ्रा के बावजूद भारतीय कंपनियों का बेहतर प्रदर्शन रहेगा। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के मुताबिक भारतीय कंपनियों की चीनी कंपनियों से बेहतर ग्रोथ रहेगी, साथ ही भारत की क्रेडिट रिस्क में सुधार देखने को मिलेगा। S&P का कहना है कि खराब इंफ्रास्ट्रक्चर से मेक इन इंडिया की धीमी रफ्तार देखने को मिल रही है। NBFCs और छोटी कंपनियों के लिए बैंक लाइसेंस का दरवाजा खुल गया है। RBI के नए नियमों को मंजूरी से Edelweiss, IIFL होल्डिंग्स, मैग्मा फिनकॉर्प को बैंक खोलने का मौका मिल सकता है, लेकिन बड़े कॉरपोरेट और सरकारी कंपनियों के लिए लाइसेंस नहीं मिलेंगे।
महाराष्ट्र सरकार नई गाड़ियों पर 1% सेस लगाने पर विचार कर रही है। राज्य के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने रोड सेफ्टी सेस के नाम से 1% सेस का प्रस्ताव दिया है। सेस से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल रोड सेफ्टी फंड के लिए करने का प्रस्ताव है। गाड़ियां जब खरीदी जाएंगी उसी समय रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स की तरह ये रकम वसूली जाएगी। रकम का इस्तेमाल सीसीटीवी लगाकर रैश ड्राइविंग करने वालों की निगरानी करने, सिग्नलिंग सिस्टम दुरुस्त करने, स्पीड गन्स खरीदने, ड्राइवर ट्रेनिंग, इमरजेंसी मेडिकल सेवाएं देने में इस्तेमाल किया जाएगा। इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए जापान की सरकार ने 27,400 करोड़ डॉलर यानी 18.36 करोड़ लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज को मंजूरी दी है। 2008 के आर्थिक मंदी के बाद ये अभी तक का सबसे बड़ा राहत पैकेज है। आपको बताएं कि ब्रिटेन की यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने के बाद जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने चेतावनी दी थी कि इसका जापान की इकोनॉमी पर नकारात्मक असर पड़ेगा और इसलिए राहत पैकेज की उम्मीद लगाई जा रही है। मानसून के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। मौसम विभाग ने ताजा अनुमान जारी कर कहा कि अगस्त सितंबर में भी सामान्य से ज्यादा यानी औसत 107% बारिश होगी। इसके अलावा अगस्त के महीने में 104% बारिश की उम्मीद जताई है। इसमें 9% से कम या ज्यादा हो सकते हैं। जुलाई में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, हालांकि जून में सामान्य से करीब 11% कम बारिश हुई थी। अच्छी बारिश से खरीफ की बुआई लगातार बढ़ रही है। 29 जुलाई तक देश में खरीफ की बुआई 6% बढ़ी, दलहन की बुआई करीब 41% बढ़ी है। दिल्ली मुंबई के बीच टैल्गो ट्रेन अपने पहले ही ट्रायल में लेट हो गई। दिल्ली में चली टैल्गो को अपने तय वक्त के मुताबिक 8 सुबह 10 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ये अपनी मंजिल पर तय वक्त से 2 घंटे लेट पहुंची। दिल्ली से चली टैल्गो को 13 घंटों का सफर तय कर सीएसटी पर पहुंचना था, लेकिन ये 15 घंटों के बाद दोपहर 12 बजे पहुंची। बताया जा रहा है अधूरी तैयारियों और भारी बारिश की वजह से ट्रेन लेट हुई। बुलंदशहर गैंगरेप मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। आज बीजेपी ने इस मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। अखिलेश सरकार के मंत्री आजम खान को आड़े हाथों लिया गया। बीजेपी प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि बुलंदशहर गैंगरेप पर दिया गया आजम का बयान गैर जिम्मेदाराना है। बीजेपी ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। आपको बताएं, बुलंदशहर के हाईवे पर मां बेटे के साथ रेप की शर्मसार घटना हुई। देखिए श्री अखिलेश यादव जी के वो चचा, और चचा की बात अखिलेश जी गंभीरता से लेते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लेती। इतनी शर्मनाक घटना, इतनी दर्दनाक घटना, इतनी पीड़ा पहुंचाने वाली घटना पे कोई इतनी हल्की बात करे तो मुझे लगता है कि ऐसा व्यक्ति श्री अखिलेश यादव जी के मंत्रिमंडल में ही हो सकता है, जो उत्तर प्रदेश की समय बागडोर संभाले हैं, जिला संभालने की स्थिति में नहीं है। आनंदीबेन के उत्तराधिकारी को लेकर अटकलबाजियों के बीच रेस में आगे चल रहे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विजय रूपानी ने कहा कि वो किसी भी जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं। हालांकि सीएम पद के रेस में नितिन पटेल और पुरुषोत्तम रूपाला भी हैं। नवंबर में 75 साल के होने जा रहे आनंदीबेन ने कल सोशल मीडिया पर सीएम पद छोड़ने की इच्छा जताई थी। उन्होंने फेसबुक के जरिए खुद को नवंबर से 2 महीने पहले ही मुक्त करने की मांग की, ताकि नए सीएम को वाइब्रेंट गुजरात 2017 की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। नाडा से क्लीन चिट मिलने के बाद पहलवान नरसिंह यादव ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम से मिलने के बाद नरसिंह यादव ने बताया कि पीएम ने उन्हें आशीर्वाद दिया। नरसिंह के मुताबिक पीएम ने भरोसा दिलाया कि उनके साथ कभी अन्याय नहीं होगा। डोप टेस्ट में नरसिंह यादव पहले ए और उसके बाद बी सैंपल में फेल हो गए थे। नरसिंह ने मामले को साजिश बताया। सुनवाई के दौरान नाडा के सामने भी 500 पन्नों का हलफनामा पेश किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का वाराणसी में बड़े ही जोर शोर से रोड शो हुआ। सोनिया गांधी की अगवानी के लिए यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर, गुलाम नबी आजाद, सलमान खुर्शीद, प्रमोद तिवारी समेत कई दिग्गज वाराणसी पहुंचे। सोनिया गांधी करीब 7.5 घंटे वाराणसी में उनका रोड शो चला। कांग्रेस अध्यक्ष का काफिला अम्बेडकर प्रतिमा पार्क से शुरू होकर पंडित कमलापति त्रिपाठी प्रतिमा पार्क पर खत्म हुआ।
मुंबई की स्पेशल मकोका कोर्ट ने 2006 के औरंगाबाद हथियार मामले में लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी और 26/11 का साजिशकर्ता अबू जिंदाल समेत 7 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इससे पहले 28 जुलाई को कोर्ट ने 2006 के औरंगाबाद हथियार ढुलाई मामले में आज 12 आरोपियों को दोषी करार दिया था। जिंदाल की गिरफ्तारी के बाद साल 2013 में मामले की सुनवाई दोबारा शुरू की गई। सुनवाई इस साल मार्च में मकोका अदालत में पूरी हुई। संसद की सुरक्षा व्यवस्था को खतरे में डालने वाले वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान की मुश्किलें नहीं खत्म हो रही। इसी बीच सांसद चंदू माजरा, महेश गिरी और हरिंदर खालसा ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि शराब की लत छुड़ाने के लिए भगवंत मान को रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाए। कमेटी में शामिल सदस्यों का कहना है कि मान को अपनी गलती पर पछतावा नहीं है। कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने एक बार फिर देशद्रोही काम किया है। कल घाटी में बुलाए हुर्रियत के बंद के दौरान गिलानी ने खुद दीवारों पर गो इंडिया गो बैक का नारा लिखा। यही नहीं, उनके उकसावे पर ही कुछ जगहों पर अलगाववादियों ने सड़कों पर गो इंडिया गो बैक के नारे लिखे। हिजबुल्ला आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद से ही जम्मू कश्मीर के अलगाववादी प्रदर्शन कर रहे हैं। अलगाववादी पत्थरबाजों को पैसे देकर जगह जगह हिंसा फैला रहे हैं। असम के ज्यादातर इलाके भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से यहां बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क बाढ़ की चपेट में है। पार्क का 80% इलाका बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। जानवरों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने के लिए बचाव कार्य भी जारी है। बाढ़ से अब तक पार्क में 20 गैंडों समेत 207 जानवरों की मौत हो चुकी है। हाथी, हिरण, बाघ और एक सींग वाले गैंडे बाढ़ के पानी से बचने के लिए आंगलोंग जिले की पहाड़ियों की तरफ पलायन कर रहे हैं।